आज महात्मा गांधी की 150वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज, थोड़ी ही देर में पीएम मोदी विजय घाट पर देंगे श्रद्धांजलि। बापू की धरती से पीएम मोदी करेंगे देश को खुले में शौच मुक्त का ऐलान। 5 साल में हर गांव हर घर में शौचालय बनाने का सपना हुआ साकार। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन आज से लागू। कोलकाता में ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह, कहा एनआरसी पर फैला रही है झूठ, एक भी हिंदू शरणार्थी को जाने नहीं देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इस सच को कोई बदल नहीं सकता। बिहार में बाढ़ से अब तक 42 लोगों की मौत, पत्रकारों के सवाल पर भड़के नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 52 विधायकों को दोबारा मौका, बदले गए 12 उम्मीदवार। नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। गांधी जयंती पर रेल मंत्री पीयूष गोयल स्टेशन सफाई सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में पीयूष गोयल के साथ रेल राज्य मंत्री सुरेश आंगड़े भी मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आज कांग्रेस गांधी जयंती पदयात्रा करेगी। सोनिया गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर किया साफ, कश्मीर का भारत में उसी तरह से विलय हुआ था जैसे बाकी प्रिंसली स्टेटस का हुआ था। अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का अंदरूनी मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक बताया, कहा भारत में सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम सफल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, एक भी घुसपैठियों को देश में रहने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अमित शाह पर पलटवार, कहा पश्चिम बंगाल में पूजा देखने आए लेकिन कोई भी भेदभाव और अफवाह फैलाने मत आइएगा। उत्तर प्रदेश में एनआरसी का ड्राफ्ट जारी करने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। डीजीपी ने सभी एसपी डीआईजी और आईजी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए। सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, 15 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। भोपाल में हनी ट्रैप मामले में बनी एसआईटी के प्रमुख संजीव शमी बदले गए, राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनी एसआईटी की नई टीम। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर तक सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को 28 दिन का वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, अखिलेश सरकार में हुए जल निगम भर्ती घोटाले को लेकर एसआईटी ने लखनऊ में आजम खान से पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या मामले की 36वें दिन सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि जन्मभूमि और जन्मस्थान में क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने संबंधी अपने पुराने फैसलों को पलटा, अब एससीएसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत का प्रावधान भी खत्म होगा। सीबीआई का सहारनपुर में बीएसपी विधायक हाजी इकबाल के घर छापा, अवैध खनन और जमीन खरीदने को लेकर धांधली को लेकर छापेमारी। नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, यादव सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से बैठक की, डेरा बाबा नानक में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अफीम की खेती करने के लिए अनुमति देने से इनकार।